हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भीनमाल नर्मदा परियोजना प्रोजेक्ट का पानी भीनमाल शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर गणमान्य नागरिकों की बैठक रविवार को स्थानीय भगवान वराह श्याम की बैठक आयोजित हुई, जिसमें करीब 9 वर्षों से परियोजना की धीमी गति व भीषण पेयजल संकट को लेकर राजनीतिक दलों के स्थानीय राज्य व केंद्र सरकार प्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। इस दौरान भगवान वराह श्याम की सौगंध के साथ राजनीतिक से ऊपर उठकर आंदोलन की गूंज जयपुर व दिल्ली तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक घर से भागीदारी सुनिश्चित करवाने का संकल्प लिया गया। बैठक में संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, समाज सेवी शेखर व्यास, दिनेश दवे नवीन, मोहन सिंह सिसोदिया, श्याम खेतावत, किशोर सांखला, पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह दूधिया, मांगीलाल माली, चिंटू सिंह ईरानी, रामलाल सोलंकी ने भीनमाल क्षेत्र की ज्वलंत पेयजल समस्या, वर्तमान व्यवस्था और राजनीतिक व प्रशासनिक उदासीनता को लेकर नाराजगी जाहिर की। बैठक में पार्षद प्रतिनिधि सुनील जैन, जोरावर सिंह राव, ओम प्रकाश खेतावत, ओम प्रकाश माहेश्वरी, उमराव सेठ, श्रवण सिंह राव, नरपत सिंह राव, सोहन लाल अग्रवाल, सुरेश एम बोहरा, बगदाराम देवासी, प्रवीण कुमार त्रिवेदी, जयंती लाल घांची, पार्षद शंकर लाल माहेश्वरी, दिनेश भट्ट, मोहन लाल माली, राजू सिंह माली, राजा शर्मा, महेश व्यास, शैतान सिंह भाटी, जबराराम भाटी, जगदीश रामावत, ईश्वर सिंह दूध व मोहनलाल परिहार सहित बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद थे। जागू टीवी के भीनमाल से परबत सिंह राव की रिपोर्ट।